परमात्मा का सूक्ष्म से सूक्ष्म सर्वत्र व्यापक कैसे है। अध्याय 15 के 17 में श्लोक में श्री स्वामी अनुभूतदेव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। आरंभवादा निर्वृत्तिवादम परणाम बाधक अनादिम सर्वबाधस्य कारणम प्रक्रियः पुरुषाक्रियावानम। परमहंस देव जी महाराज ने प्रसन्न चित्त होकर कहा कि हे निर्बंध, आरंभवादी कहते हैं यह क्रिया पूर्व काल अनाद से चली आ रही है। निर्वृत्ति बाद के आचार्य जन कहते हैं कि जड़ चेतन की जो क्रिया है यह निवृत्ति प्रवृत्ति में बदलती रहती है। परिणामवाद के आचार्य भी इसका स्वरूप जड़ चेतन का विषय परिणाम ही मानते हैं। इन सभी प्रकार के वादों का कारण सत जड़ चेतन की क्रिया का क्रियावान होना ही व्यक्त अव्यक्त संपूर्ण चराचर सृष्टि होना है। पुरातन सनातनेन निराकारम च साकारम निर्बंध अयम परणाम अनादि निरहिमम। 18वें श्लोक में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज परमहंस दयालु समझाते हुए कहते हैं कि पौराणिकता पुरातन एवं सनातन से परमात्मा के निराकार साकार स्वरूप का भाव प्रदर्शित होता चला आ रहा है। यह परिणाम अनाद काल से होते हैं आ रहे हैं तथा होते जाएंगे। जैसे जल 0 सेंटीग्रेड तापमान पर बर्फ बन जाता है, ऐसे ही यह प्रकृति पुरुष का स्वभाव है। तत्वादेनि तत्त्वं व्योमं व्यापिनं सिद्धान्तं परमात्मा गगनापि अति सूक्ष्मा निर्बंधम। 19वें श्लोक में निर्बंध को समझाते हुए तत्वों का स्वरूप बताते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तत्वों में जो आकाश तत्व है वह सभी तत्वों से सूक्ष्म है तथा सर्वत्र व्यापक प्रतीत होने वाला है, और परमात्मा आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जो वह क्यों नहीं व्यापक होगा। सूक्ष्माभावं व्यापनाय करणाणं प्रत्यक्षं निर्बन्ध चेतनान्यं सूक्ष्माति सूक्ष्म च। 20वें श्लोक में श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे निर्बन्ध, निर्बन्ध कहते हैं साधक को, जिज्ञासा को। तो उस साधक को समझाते हुए कहते हैं कि सूक्ष्म भाव ही व्यापकता के लिए प्रत्यक्ष कारण है। यह परमात्मा चैतन्य तो सूक्ष्म से भी अत्यंत भी सूक्ष्म है, इसीलिए सर्वत्र व्यापक है। परमात्मा का स्वरूप बताते हुए गुरुदेव भगवान चैतन्य और जड़ परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि जड़ में भी व्यापक है, सर्वत्र है, हर जगह हाजिर है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। इसीलिए संत साधु जनों ने कहा है कि वो परमात्मा हर जगह हाजिर है लेकिन नज़र नहीं आता है। जब तक आपको वह योग साधना नहीं मिलेगी और अभ्यास नहीं करोगे तब तक उस परमात्मा को सर्वव्यापी सर्वेश्वर
कैसे जान पाओगी, निजी अनुभव से जान पाओगी।